हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अ लंदन ब्लॉग। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बेटर होगा अगर आप पहला पार्ट देख लें एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस सो दैट यू फील द कनेक्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ब्लैक कैब्स लंदन में ऐसी कैब चलती है, ब्लैक वाली, जैसे कोलकाता में येलो कैब चलती है वैसे यहाँ पे ये ब्लैक कैब्स है, एंड मुंबई में काली पीली चलती है। जल्दी ये बोरो मार्केट, यहाँ पे आपको लंदन का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा यहाँ, एंड शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये यहाँ की लोकल ट्रेन है, इस ब्रिज के ऊपर से जाती है एंड इसी ब्रिज के नीचे ये मार्केट लगा हुआ है। चलो बाहर निकलते हैं। यहाँ का लोकल रेलवे नेटवर्क है, मतलब मेट्रो है, उसे अंडरग्राउंड कहते हैं एंड जो ट्रेन होती है उसे ट्यूब कहते हैं। वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल। बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे लग रहा था कैथेड्रल है तो ऐसे ही छोटा सा ही होगा। कैथेड्रल का सराउंडिंग है बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। यहाँ के लिए आपको बस भी मिल जाएगी, यहीं पे रुकता है, एंड ट्रेन भी मिल जाएगी। एडल का 20 पाउंड्स है एंड स्टूडेंट फैमिली इनके लिए कंसेशन है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो चुका है कुछ 2:30 और आज बंद होता है ये 4:30 बजे। हम लोग ये नीचे का एरिया पहले एक्सप्लोर करेंगे एंड फिर ऊपर जाएंगे, जो ऊपर से लंदन का व्यू मिलता है वो देखने जाएंगे। ये यूके का सेकेंड बिगेस्ट कैथेड्रल है हाइट के मामले में भी, ये शायद कुछ 111 मीटर ऊँचा है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। जो लंदन सिटी का हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे लोकेटेड है। 1963 तक ये लंदन का टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, लेकिन उसके बाद द शार्ड्स आ गया, तो उसके बाद शायद द शार्ड्स ही सबसे ऊंचा बिल्डिंग यहाँ का है। यहाँ की एंट्री 20 पाउंड्स है। इसके साथ आपको एक ऐसा डिवाइस मिलता है एंड उसमें हेडफोन्स भी रहते हैं। एक काइंड ऑफ गाइडेड टूर है, आपको कोई गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी सब रिकॉर्डेड है। ये ऐसा ये ऊपर डोम का सेंटर है। हर कैथेड्रल में ज़्यादातर एंड चर्च में भी मोमबत्ती रखी जाती है ताकि आप जलाएं इसे, भगवान को याद कर सकें। हाँ, दोनों हाथ से जैसे हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, तो ऐसे आपको एक हाथ को दूसरे हाथ का सपोर्ट देना होता है, ऐसे रखना होता है। क्या बोल रही थी तुम्हारी माँ आज? माँ बोल रही थी कि रिवर थेम्स है ना, वहाँ पे बोट राइड मत करना आज, दूर से ही प्रणाम कर लो। लाइक वी बिफोर गंगा। अभी जैसे ये क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पे भी क्रिसमस ट्री लगा दी है। यहाँ पे एक आर्ट दिया है मदर एंड चाइल्ड का, हेनरी मूर ने बनाया हुआ है। ये गेट भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। ये गेट बनाया गया है 1890 में। डोम में जा रहे हैं अभी हम लोग और वहाँ से दिखेगा लंदन का नज़ारा। यहाँ पे टोटल 528 स्टेप्स है, लेकिन ये स्टेप्स बहुत ही छोटी है एंड कर्व है ना, तो इसीलिए और भी थकान सी हो रही है। एंड कभी लेग्स वर्कआउट किया तो उसका दर्द भी है एंड अभी फिर से स्टेप्स चढ़नी पड़ रही है, थकान तो है भाई। और एक तो ये मास्क पहन के आपको चलना है यहाँ पे। तो हम लोग आ चुके हैं टॉप में, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसा मिलता है कुछ व्यू यहाँ से। हमें और ऊपर जाना है इसके ऊपर भी, तो इसके लिए अभी ये लाइन है। ऊपर बहुत छोटी जगह है ना, इतना ही है घुसेंगे ना, तो इतना जगह रहेगा। देखते हैं ना, फ्रेश हो जाएगी, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। टॉप व्यू है,
हमेशा नहीं मिलेगा लंदन सिटी का टॉप व्यू। चलो ऐसे कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे लोहे वाली छोटी छोटी, ये थोड़ी डेंजरस है कर्व वाली। इसके बाद भी ऐसे स्टेप्स हैं, ये लास्ट कर, उसके बाद हम लोग जाएंगे डोम के सबसे टॉप पे। एकदम छोटा बन के जाना पड़ता है इसमें, बहुत ही छोटी छोटी स्टेप्स है। इसके और भी ऊपर है लेकिन वो बंद किया हुआ है पता नहीं क्यों। ऐसे पूरी लाइन लगी है अभी देखने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टावर ब्रिज, देन लंदन ब्रिज, वो वाला लंदन ब्रिज है, एंड इसके बाद ये थेम्स। टॉप से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, मतलब पैसा वसूल व्यू है। जब भी आएंगे आप लंदन तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल ज़रूर आइएगा। एक तो आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी जो पुराना कैथेड्रल है, एंड ऐसा टॉप व्यू जो कि 111 मीटर ऊपर है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो अभी अपन को 4-5 मिनट ऊपर थे, अभी नीचे जाना है। कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी स्टेप्स हैं, संभल संभल के लेनी है हमें। ये विजिट हो चुकी है सेंट पॉल कैथेड्रल की यहाँ पे ख़त्म। अभी निकलते हैं बाहर, देखते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है हमारी, बाहर जाके डिसाइड करते हैं। तो हम अब निकलेंगे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के लिए यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि मुंबई में ही आ गए या फिर पुणे के एफसी रोड में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसी भीड़ मैंने यूके में नहीं देखी थी अभी तक, पहली बार देख रहा हूँ मैं। वो उधर चलते हैं, कैसा है रे सब कैसे भाग रहे हैं। हेलो, ऐसा लग रहा है चींटी जैसा सब इधर उधर भाग रहा है। यहाँ पे अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा था दुकान के सामने, जो कनाडा गूज है उनके अगेंस्ट, यहाँ जो विंटर क्लोथिंग है उनके लिए वो फर का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए वो एनिमल्स को मारते हैं ऐसा उनका कहना है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं ट्रैफलगर स्क्वायर। ट्रैफलगर स्क्वायर में फाउंटेन्स है दो, चार शेर है, एक मीनार है, भी क्रिसमस ट्री है, एंड क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है तब है, एंड वो नेशनल गैलरी है यहाँ की जो कि अभी बंद है। अभी आपको दिखाते हैं कि शाम यहाँ की कितनी सीन होती है। हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बहुत चले हैं, दुकान बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
ये है वाइट चॉकलेट, मतलब दिखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत हेवी होगा, बहुत हल्का है ये। अंदर से कुछ हाँ, एंड दूसरा क्या है, मिल्क स्ट्रॉबेरी था ना ये, सेम है। ये देखा, चाइना का माल है ये। फुल ऑफ क्रीम। बहुत क्रीम है अंदर। क्रीमी है। और आउटर लेयर वो वाला। आउटर लेयर सिर्फ वो है, बेवकूफी वाली बात है ये। मतलब बस सजा धजा के बहुत अच्छे से रखा है बाहर से, और कुछ भी नहीं है, एकदम घटिया है ये। मतलब केक में जो क्रीम होती है ना, हाँ वही है, केक की क्रीम ही है। एंड ये कवर लगा दिया ऊपर से बस। ये भी तो केक में होता है ना। हाँ वो जो क्या वाला। हाँ ठग दिया भाई। इसकी मैंने एक कहानी पढ़ी, उस आर्टिस्ट को ना बोला गया था कि आपको ये शेर बनाने हैं यहाँ पे ट्रैफलगर स्क्वायर में, तो उसके पास इंस्पिरेशन नहीं था या उसको पता नहीं चल रहा था कि शेर बनाए कैसे, तो उतना मतलब मरा हुआ शेर लाया था एंड यहाँ पे बनाने लगा था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद डिकम्पोस्ट होने लगा वो, तो उसको फिर उसने हटा दिया, उसको हटाना पड़ा। फिर उसके जो पंजे थे तो वही बचे थे, तो वो उसने फिर बिल्ली को देख के उसने वो पंजे बनाए, तो आज भी इनके पंजे शेर जैसे हैं नहीं, ये इस टाइप के हैं। ये इधर ही डिफरेंस लगता है, ये देखो यहाँ से आते हैं प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे वो छोटा हो जाता है, सबका वैसा ही है। आगे आगे थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है। हाँ मतलब यहाँ यहाँ तक आपको बड़ा दिखाई देगा एंड यहाँ से ऐसे छोटा हो जाता है तुरंत। अभी हम लोग निकलने वाले हैं लंदन आई के लिए। ये है लंदन आई, अभी हम लोग बाहर से ही देखने वाले हैं। इस लास्ट टाइम हम लोग आए थे उसके कुछ फोटोज़ है, अगर वीडियो होगा तो वो भी डाल देंगे इस वीडियो में हम लोग। इस ब्रिज पे आ गए हैं एंड इस ब्रिज से कुछ ऐसा दिखता है। ये वेस्टमिंस्टर एबे, अंदर बहुत बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है चलते हैं अब यहाँ से। तो अपनी ट्रेन है 9:30 बजे प्लेटफॉर्म 7 से। टाइम हो चुका है 9:30 और हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, तो शायद यहाँ से वही 1.25 घंटा तो लग ही जाएगा। पहुँचते कितना, 10:45 हो जाएंगे। अब देखते हैं वहाँ से बस मिलेगा या नहीं। बस मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कैब करना पड़ेगा। आज का दिन अपना पूरा ख़त्म हो गया, हमने किया लंदन एक्सप्लोर, पूरे स्ट्रीट्स देखे उसके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू। थैंक यू।